तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स। इसमें पार्ट 1 में मैंने आपको ये बता दिया है ऑलरेडी कि हमारे पास रियल नंबर में एक टाइप होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी है। पार्ट 2 में हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ बहुत कम क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप पहले भी करके आए हैं जैसे 8th क्लास में। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यह हमारा बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फाइंड, आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, यू नीड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो एटलीस्ट 6 आपको कोई भी रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 3 एंड 4, एंड वी ऑलरेडी नो कि अगर मुझे बनाने हैं तो मुझे पता है कि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी के हमारे पास 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स कैसे निकालने हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें पता है कि मैं कभी भी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, देखिए अगर आपको दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं तो आई नो दैट कि दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम होना चाहिए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने इसके न्यूमिरेटर को और डिनोमिनेटर को, ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ, और बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट दिस एज 3/1 एंड 4/1, मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर बताने हैं। तो मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर सेम करना है उसके लिए, ठीक है। आप कहेंगे सर ऑलरेडी 1 है हमारा डिनोमिनेटर, बट बेटा 3 और 4 के बीच में आपको कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, तो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, सो दिस बिकम्स 24/8, ठीक है। नाउ यू नो दैट 24/8 इज इक्वल टू 3, एंड अगर मैं इस नंबर की बात करूं सो व्हाट इज दिस 4/1, यहां हम क्या करेंगे 4 × 8 / 1 × 8, सो दिस इज 32/8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 32/8, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या है 24/8, 32/8। अब आप देखिए इन दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम है, आप इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है, नंबर्स लिख सकते हैं इजीली, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, तो व्हाट आई कैन राइट, देखिए 25/8, 26/8, 27/8, ओके 28/8, 29/8, ओके आपको कितने नंबर्स लिखने हैं, दे आर सेइंग 6, तो यहां पर हम लिख देते हैं 30/8, तो यू कैन सी दीज आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आप कभी चेक भी कर सकते हैं कि मैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखूं जस्ट फॉर टू बी श्योर, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज का। अब ये हमारा सिंपल ट्रू एंड फॉल्स है, लेकिन मैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखूंगा यहां पर, विल डिस्कस कि ये क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। सो वी आर सेइंग हियर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वी आर सेइंग दिस दैट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या ये ट्रू है, देखिए मुझे पता है कि मेरे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर्स मेरे स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स 0 से। तो हमें पता है कि 0 एक ऐसा होल नंबर है विच इज नॉट नेचुरल, तो दैट्स वाई दिस इज फॉल्स, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ओके। तो दे आर सेइंग, दे वर सेइंग कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बट व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है, कि ये फॉल्स है। व्हाई इट इज फॉल्स, बिकॉज ऑफ 0। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अपने लिए रीजन में, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं उसको रीजन में लिखिए, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इन स्टेटमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर,
Now, what is a rational number? I know that p upon q form, where p and q are integers. तो बेटा उस इंटीजर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एवरी इंटीजर, तो इंटीजर कैसे होते हैं? जैसे मुझे पता है कि -3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई नो दैट 10, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. तो मुझे पता है कि एवरी इंटीजर, यस इट इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. तो इसमें कोई स्पेसिफिक आपको रीजन नहीं चाहिए, आप एग्जाम्पल से लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं. ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अब ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का अपोजिट है. ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अब देखिए, अगर मैं आपको देता हूं 5/4, आई नो दैट ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नो. ठीक है, बिकॉज इंटीजर हमें पता है क्या होते हैं, -3, -2, -1, 1, 2, 3, इस तरह से. ठीक है, इंक्लूडिंग 0 ऑब्वियसली. तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बिकॉज हमने लिख के देखा अभी, रैशनल नंबर सारे मेरे इंटीजर नहीं होते. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. अब ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का अपोजिट है. ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर फिर से पता है हमें 1 से स्टार्ट होते हैं, और वो सारे होल नंबर में भी इंक्लूडेड है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, सो दैट्स व्हाई आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या रीजन लिख सकते हैं आप, होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव, तो एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर. सपोज मैंने बोला -3, अब वो इंटीजर तो है बेटा, लेकिन वो होल नंबर नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ वी आर सेइंग एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये आपको समझना है. देखिए रैशनल नंबर, फिर से आपको मैंने बोला, जैसे हमने यहां पर भी फॉल्स किया है, रैशनल नंबर मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो तब भी जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला -4/5, या मैंने बोला सपोज 10/3, बेटा ये रैशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर थोड़े ना है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज, दिस इज फॉल्स. तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए. नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन एंड माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसमें देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर. क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है? दिस इज टू राइट सॉल्यूशन. इज जीरो अ रैशनल नंबर, हमने जीरो लिख दिया यहां पर. अब कैन यू राइट दिस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो मैं आपको यहां पर एक दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूं एडिशनल. देखिए जीरो एक रैशनल नंबर है, आप बोलेंगे यस यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर. नाउ व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर और हाउ इट इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज आई कैन राइट जीरो एज 0/1. ओके, बिकॉज 0/1, ओके हियर दिस 0 एंड दिस 1 बोथ आर इंटीजर्स. ठीक है, 0 इज एन इंटीजर, यही रिक्वायरमेंट होती है ना बेटा रैशनल नंबर की. दे आर सेइंग कैन यू प्रेजेंट दिस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, सो वी आर सेइंग यस 0/1. ओके, सो 1 इज एन इंटीजर. लेकिन आप एक चीज बताइए, अगर मैं ऐसे बोलता आपको 1/0, तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये हमारा मैथ्स में डिफाइंड फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड. तो जीरो बेटा न्यूमिरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, ये चीज का याद रखिएगा. सिमिलरली आप ये भी नहीं करेंगे 0/0, अगेन मैथ्स में ये डिफाइंड नहीं है. यहां पर आप बोल सकते हैं सर जीरो न्यूमिरेटर में तो है, बट जीरो डिनोमिनेटर में भी आ गया, जीरो कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, सो दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड इन मैथ्स. ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एडिशनल बताया है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, सो विल से यस, यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर
इंटीजर्स। तो बेटा मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का,